लॉग में आगे बढ़ते हैं बेटा, और लॉगरिथम में जो आपका अगला टॉपिक है उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। लॉगरिथम में जो आपका अगला टॉपिक है उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। उस पे जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या एक टाइटल लिखना है, छोटा सा टाइटल इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात चल रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, आपने सातवीं या आठवीं क्लास में ये बात सुनी होगी, है ना? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सातवीं या आठवीं क्लास में ये बात आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उसके बाद हम चीज़ों को देखते हैं ना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 26.73 1.100.234, यहाँ पे एक पॉइंट और दे देते हैं, 2.334, ठीक है। और भी कुछ नंबर लेते हैं, मान लो 3.14, ऐसा ले लिया है। मैंने आपके सामने चार नंबर लिए, कोई भी मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, मैंने ऐसा नहीं कि अपनी ओर से सोच लिया, कोई भी रैंडम एग्जांपल जो मेरे मन में आया वो एग्जांपल मैंने लिया और यहाँ पे लिख दिया। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव नंबर होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को किस प्रकार लिखा जाता है उसका तरीका देखिए। जैसे ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट होना चाहिए ना, जो डेसिमल होना चाहिए, ध्यान से देखना, जो डेसिमल होना चाहिए इसके इस तरफ, डेसिमल के आगे हमेशा एक ही डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए। यानी इसको जब मैं लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 2.673 इंटू में 2.673 इंटू में 10 की पावर 1। अब आप लोग बताओ क्या ये चीज और ये चीज सेम लिखी है या नहीं लिखी है, ये आप लोग बताओ। ये नंबर और ये नंबर क्या सेम है या नहीं है, जल्दी से चेक करके बता दो सारे, है ना? सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? लिखने का तरीका बदल दिया बस, लिखा तो सेम ही है, नंबर ये भी वही है, नंबर ये भी वही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। तरीका क्या किया कि जो पॉइंट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल होगा इससे पहले, डेसिमल से लेफ्ट साइड में, किससे, डेसिमल से लेफ्ट साइड में केवल एक ही डिजिट आनी चाहिए, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कि कुछ ऐसा हो इंटू में 10 की कुछ पावर। अब आप लोग मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात से सेटिस्फाई होंगे, ये पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, तो ये 1.00234 इंटू में 10^2 आ जाएगा। बोलो क्या ये बात और ये बात सही लिखी है या नहीं लिखी, बोलो, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स आपने सिग्निफिकेंट फिगर नाम की कोई चीज पढ़ी होगी, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, तो ये वाली बात और ये वाली बात भी सेम है, आप लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये वाला तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बोलिए क्या ये चीज पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो पहले से ही लिखा हुआ है 2.334 इंटू में, अगर मान लो 10 की पावर लिखनी भी पड़ जाए तो मैं 0 लिख लूंगा, क्या दिक्कत है ना, 10 की पावर 0, क्योंकि ये तो 1 ही होता है, इसको लिखने में क्या दिक्कत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। इस वाले नंबर को भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे ही मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये कैसा दिखेगा बेटा, 3.33314 इंटू में 10^3, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक मेरी सभी बातें समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये पॉजिटिव नंबर की बात करी है, मैंने जितने भी नंबर लिए हैं, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, मैंने चार एग्जाम्पल लिए बेटा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका चौथा एग्जाम्पल, समझ रहे हैं? तो ये चार एग्जाम्पल मैंने लिए, इन चारों में ही जो नंबर मैंने लिए थे वो 1 से बड़े लिए थे। देखो 26.73 1 से बड़ा होता है, 100 1 से बड़ा होता है, 2 point something ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा, तो ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं। लेकिन पॉजिटिव नंबर में तो आप जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 1 से छोटा हो, यानी 0 से 1 के बीच हो, कि नंबर क्या हो, व्हेन नंबर इज बिटवीन, व्हेन नंबर इज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच का अगर मान लो नंबर आ जाए बेटा, तो उसको कैसे लिखेंगे, मान लो कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, 0.0016, जैसे ये नंबर 0 से 1 के बीच का है, मान लो मैंने एग्जांपल लिया 0.234 ये ले लिया, है ना, मान लो एग्जांपल लिया 0.00014, मान लो एग्जांपल ले लिया 0.0135, ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया बेटा, ठीक है बेटा। अब मुझे इन्हें भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो तरीका क्या होगा, जैसे ये पहले वाला है, जब इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगा तो ये पॉइंट से पहले एक डिजिट होनी चाहिए लेफ्ट में, तो
तो पॉइंट कैसे आएगा, ये 1.6 हो जाएगा। बोलो सही बात है, ये जो पॉइंट है उसको यहाँ लाना है, पॉइंट है उसको यहाँ लाना है, और एक दो तीन डिजिट आप लेकर आए तो इंटू में 10^-3 हो जाएगा। चेक करके बताओ क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, जल्दी से बताइए। अब की बार पावर नेगेटिव आएगी, इसको सॉल्व करके देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सॉल्व करके देखो, इस चीज को सॉल्व करके देख लो। 10^-3 अपॉन में आगे 10^3 हो जाएगी, ये पॉइंट भी नीचे आके हो जाएगा, 4 digits पे 0 आ गए। बिल्कुल सही लिखा है ना। अरे भाई ये तो यार 7वीं 8वीं क्लास का काम है भाई, इसमें क्या बताऊं मैं। पॉइंट को उठा के अगर यहाँ लाना है इस पोजिशन पे, तो कितना, एक दो तीन, तीन डिजिट तक आपने इधर शिफ्ट किया ना, इसलिए 10^-3। इस चीज को सॉल्व करके देख लो। अरे देखो यार, 1.6 × 10^-3 को आप 1/10^3 लिखोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो एक और 10 नीचे आ गया, तो 16/10^4 यही तो आएगा, ठीक है ना, 16/10^4 यही तो आएगा। क्लियर है भाई? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबको आ गई होगी। सेम यहाँ पर भी करना, देखो करना क्या है, हर बार की पॉइंट से लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट हो, तो ये पॉइंट उठा के एक प्लेस शिफ्ट करनी है, तो 2.34 हो जाएगा इंटू में, क्योंकि एक प्लेस शिफ्ट किया तो 10^-1, ठीक है, एक प्लेस शिफ्ट किया तो 10^-1। कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि हमें 1.4 है ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, एक दो तीन चार, चार डिजिट शिफ्ट किया तो 10^-4 आ गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट आप जैसे शिफ्ट करेंगे, दो डिजिट, 1.35 × 10^-2। पहले ये बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है, सबको क्लियर है, ये लिखना आ गया सबको। देखो जैसे जैसे अगर आपने पॉइंट को उठाकर इस साइड में मूव करा रहे हो ना, पॉइंट को आप राइट साइड में मूव करा रहे हो तो आपकी पावर नेगेटिव में आएगी, और अगर पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में मूव करा दो तो पावर पॉजिटिव आती है, अभी पीछे एग्जांपल में देखा। तो दो प्रकार से ही पॉजिटिव नंबर को दिखाया जा सकता है, या तो नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा या नंबर 0 से 1 के बीच रहेगा। मैंने दोनों के आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा दिए। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिखाए, क्या कारण था इन एग्जाम्पल को दिखाने का, बेटा इस तरीके से मूव करना है कि डिजिट से पहले एक ही डिजिट आए, बस इतना मूव करना है, ये जो डेसिमल है ना इससे पहले एक डिजिट आए इतना मूव करना है। अब वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे डिजिट यहाँ पर आई तो 1 2 3 मूव कराया, यहाँ पर 1 था तो 1 2 3 4 बार मूव कराया, ठीक है, डिजिट से पहले एक बार। अब इसका मतलब ये पूरी कहानी ऐसी है कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास दुनिया में है, सुनना बेटा मेरी बात को, कोई भी नंबर एन अगर मेरे पास दुनिया में है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, a × 10^b लिख सकता हूँ, a × 10^b लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं। कोई भी नंबर दुनिया में मेरे पास है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, a × 10^b, a × 10^b, वेयर 10^ जो बी है, आप 10^ को हर बार नोट करना बेटा, 10^ को नोट करना, देखो माइनस में आई हुई है हर जगह पावर, 10^ हर बार यहाँ माइनस में आई हुई है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ 10^ सारी पॉजिटिव थी और 0 भी आई थी, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि जिसमें नेगेटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, 0 भी आ जाए, ऐसी चीज को क्या कहते हैं, नेगेटिव भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव भी आ गए और बोलो 0 भी आ जाए, बेटा इंटीजर कहते हैं क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आ रही है, 10^ कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ रही है, समझ रहे हैं, 10^ कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ रही। तो इतना कंफर्म है कि ये जो फॉर्म होती है इसके अंदर ये जो बी होता है ये आपका इंटीजर होता है, बी बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ रहे हैं, बी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, और ऑफकोर्स 0 भी आ ही रहा है, एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, क्लियर है। अब इस ए पे बात करो कि ये ए क्या होने वाला है, ये ए क्या होने वाला है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ए को नोट करेंगे तो ए जो आपका आ रहा है बेटा, ए जो आपका आ रहा है, दैट इज ए जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 1 से लेकर 10 तक, देखना हर एग्जाम्पल में, हर एग्जाम्पल में देखना जो मैं पीछे दिखाऊंगा, क्या सारे एग्जाम्पल 1 से 10 के बीच के हैं कि नहीं है, बोलो 1.6 आया ए की वैल्यू, वह 1 से 10 के बीच का है, 2.34 आया ए भी 1 से 10 के बीच का है, 1.35 आया ये भी 1 से 10 के बीच का है, 1.4 आया ये भी 1 से 10 के बीच का। मान लो नंबर ऐसा होता, देखो 0.07889, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, देखो पॉइंट कितने डिजिट पे करना है, यहाँ पे लाना है, तो उसको लिखेंगे 7.89 इंटू में, 2 digit को किया तो 10^-2। तो यहाँ पे भी देखो ये जो ए आया, ये जो ए आया वो 1 से 10 के बीच का ही आया, क्योंकि नंबर तो हमेशा 1 से 10 के बीच का ही आया, क्योंकि डेसिमल से पहले, कैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि डेसिमल से लेफ्ट साइड में आप हमेशा एक डिजिट तो लाओगे ही, आप हमेशा डेसिमल से पहले एक डिजिट तो लेकर ही आओगे, और जब एक ही डिजिट लेकर आओगे तो नंबर हमेशा कैसा आएगा, 1 से 10 के बीच का ही आएगा, एक डिजिट तो तभी आएगी जब नंबर 1 से 10 के बीच का हो। ऐसे इससे पिछले वाले एग्जांपल में भी आप ए को देखो, यहाँ पर देखो ए कैसा आया, क्या ये 1 से 10 के बीच का है, बिल्कुल है, क्या ये 1 से 10 के बीच का, ये भी बिल्कुल 1 से 10 के बीच का है, क्या ये 1 से 10 के बीच का, ये भी है, क्या ये 1 से 10 के बीच का, ये भी है, बोलो सही बात है कि नहीं, है ना। मान लो देखो नंबर अगर ऐसा आ जाए, देखना बेटा ध्यान से, 9999.99 मान लो नंबर ऐसा है,
तो इसको कैसे लिखोगे, पॉइंट को यहाँ लाओगे 9.9999 इंटू, क्योंकि दो डिजिट आप इधर लेकर आए तो इंटू में 10 की पावर 2, समझ रहे हैं। तो ये नंबर भी कैसा आया देखो, 1 से 10 के बीच का आया 9.999, ये भी 1 से 10 के बीच का आया। यानी जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म को, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी पॉजिटिव नंबर को रखेंगे तो ये जो ए आएगा ये हमेशा 1 से 10 के बीच का आएगा, और बी आएगा ये इंटीजर आएगा, ठीक है ना। अब ये पूरी कहानी किस चीज के लिए प्रयोग की गई, अब वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे क्या हम जानना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो इस प्रकार आएगा कि अगर जो नंबर आपका 1 से बड़ा है, जैसे ये वाले एग्जांपल जो हमने पहले एग्जांपल किए थे, इसको समझना बेटा एक ही बारी में। ये जो एग्जांपल हमने पहली बारी में किए थे, ये नंबर कौन से थे जो 1 से बड़े थे, ये सारे के सारे नंबर कौन से थे जो 1 से बड़े थे। अच्छा अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन क्या आएगा, जब भी नंबर 1 से बड़ा होगा वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डेसिमल से पहले कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास थी, डेसिमल से पहले कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप बताएंगे मुझे इस नंबर में, बताइए डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट आपके पास है, जल्दी से बताओ। डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है, यहाँ पर देखिए डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट है बेटा, 3 डिजिट है, चलो सबको क्लियर है। डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट है बेटा, जल्दी से रिप्लाई करते रहो यार, रिप्लाई नहीं करोगे बाद में मुझसे मत पूछना, क्योंकि वो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा अगर आपने अभी रिप्लाई नहीं किया तो। डेसिमल से इधर लेफ्ट में एक ही डिजिट है, दैट इज 2। डेसिमल से लेफ्ट में बताओ भाई कितने डिजिट है, डेसिमल से लेफ्ट में कितने डिजिट है, 4। तो जब भी नंबर 1 से बड़ा होगा, वेन एवर द नंबर इज ग्रेटर देन 1, वो आपसे हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है। अब आप कहोगे सर ये तो मैं देख के बता ही दूंगा कितनी है, लेकिन बेटा वो नंबर ऐसा नहीं देगा, इतना आसान नंबर वो नहीं देगा, है ना, कि आपको दिखते ही दिख जाए, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं तो ये तो क्या, ये तो पहली दूसरी क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा कि बताओ डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने क्वेश्चन है ना, कितने वो डिजिट्स हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा यही, लेकिन तरीका अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको ना, इसको क्वेश्चन अभी करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 raised to power 50। क्वेश्चन समझ में आया भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 की पावर 50 में कितने डिजिट आएंगी, क्योंकि इसमें डेसिमल तो आएगा नहीं, यानी जितनी भी डिजिट आएंगी वो डेसिमल से पहले ही आएंगी। मान लो 6 की पावर 50 थोड़ी देर के लिए, अब ऐसा मत कहना कि यही होता है क्या, है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए 6 की पावर 50 ये है 246 है ना, थोड़ी देर, ये तो आपको भी पता है ये नहीं होने वाला, पर मान लो अगर ये है तो नंबर तो ऐसे ही आएगा, पॉइंट में आप 0 ऐसे लगा ही सकते हो पीछे, तो डेसिमल से पहले यही तो डिजिट होंगी जो भी सॉल्व करके इसको आएगा, समझे, डेसिमल से पहले यही डिजिट होंगी जो भी सॉल्व करके इसको आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। अब वो सॉल्व कैसे करना वो भी हम देखेंगे, है ना, सॉल्व कैसे करना वो भी हम देखेंगे, पर क्वेश्चन इस प्रकार आएगा जब भी नंबर वन से बड़ा होगा। अब एक बात को जरा ध्यान से देखना, अब ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखना, नहीं बेटा आंसर गलत है जिसका भी आ रहा है ना, आंसर गलत है, अभी से थोड़ी आप एकदम से बता दोगे गलत है वो। देखो बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितने बच्चे आप में से इस बात को पकड़ पाएंगे कि नहीं वो आप बताना मुझे, ठीक है, कितने बच्चे आप में से इस बात को पकड़ पाएंगे कि नहीं, है ना। पॉजिटिव नंबर की फॉर्म है ए गुना 10 की पावर b, अभी हमने पीछे लिखा था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डेसिमल से पहले जो डिजिट्स हैं, ध्यान से देखना, डेसिमल से पहले जो डिजिट्स हैं वो हर बार b+1 है, b माने 10 की पावर। अब चेक करके बताओ क्या मैंने सब में सही बताया कि नहीं बताया। यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 1, b की वैल्यू 1 है, 1+1 देखो 2 डिजिट्स है, यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2+1 3 डिजिट है, यहाँ पर देखो b की वैल्यू 0 है, 0+1 एक ही डिजिट है, यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है 3 है, 3+1 कितने डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले, देखो यहाँ 4 डिजिट्स हैं कि नहीं है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी से। यानी कि अगर नंबर 1 से बड़ा है, ये मैं भी लिखवाऊंगा चिंता ना करो, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल वो हमेशा क्या आएंगी, b+1 करके आएंगी, समझ रहे, वो हमेशा कैसी आएंगी बेटा, b+1 करके आएंगी। क्लियर है सबको ये बात, पहले ये बताओ, है ना, ये एग्जांपल लिखो सबसे पहले, ये एग्जांपल्स नोट करो जल्दी से, है ना, ये एग्जांपल्स नोट करो, लिखो जल्दी से, एग्जांपल नोट कर लिए क्या, स्क्रीनशॉट ही ले लो, है ना, ठीक है, चलो इसी तरीके से अब इस वाले पे बात करो। तो जो मैंने कहा कि अगर नंबर 1 से बड़ा है
तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने डिजिट्स हैं ये बताओ। अगर नंबर वन से बड़ा है तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कितने डिजिट हैं उस क्वेश्चन में डेसिमल से पहले वो बताओ। अगर नंबर वन से बड़ा नहीं है, अगर नंबर जीरो से वन है, अब अगर नंबर क्या है जीरो से वन है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये बताओ कि डेसिमल के बाद कितनी जीरोज आ रही है लगातार, समझ रहे हैं, डेसिमल के बाद लगातार कितनी जीरोज आ रही है। जैसे यहां पर देखो बेटा, यहां बताओ कितनी जीरोज आ रही है, दो जीरो सबको नजर आ रही है डेसिमल के बाद, दो जीरोज। अच्छा मुझे बताओ यहां पर डेसिमल के बाद कितनी जीरो आ रही है, एक भी नहीं आ रही है ना, यहाँ एक भी नहीं आ रही है। यहां डेसिमल के बाद कितनी जीरोज आ रही है जल्दी से बोलो, तीन जीरो सबको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। यहां डेसिमल के बाद कितनी जीरो आ रही है बेटा, एक जीरो नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो अब यहां पर भी इस बात को देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, देखना जो मैं कह रहा हूं कि पॉइंट के बाद जो जीरोस हैं वो बराबर आएगी माइनस बी माइनस वन के। चेक करो बेटा माइनस बी माइनस वन को, बी की जगह क्या है 10 की जो पावर है, जैसे बी की जगह यहां पर क्या आएगा माइनस थ्री, तो माइनस पहले से ही था, माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा और थ्री माइनस वन करने पर टू आएगा, तो देखो दो जीरोस आ रही है। माइनस बी यानी माइनस वन का नेगेटिव, समझ रहे हो, बी की वैल्यू तो ये है, ये बी है 10 की पावर b, b की वैल्यू तो ये है, उसका नेगेटिव कर दोगे और उसमें माइनस वन कर दोगे तो इसका नेगेटिव माइनस वन का नेगेटिव क्या होगा, वन होगा, वन माइनस वन जीरो होगा। तो देखो एक भी जीरो डेसिमल के बाद नहीं आ रही, एक भी जीरो डेसिमल के बाद नहीं आ रही, समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है, एक भी जीरो डेसिमल के बाद नहीं। यहां देखना बेटा, यहां बताना मुझे, ये रहा बी, ये रहा बी है ना, तो बी का पहले नेगेटिव करना है, माइनस बी का मतलब क्या होगा, बी का नेगेटिव, तो माइनस फोर का नेगेटिव होगा फोर, और फोर माइनस वन, फोर में से बन गया तीन, तो बताओ कितने, तीन जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, सबको नजर आ रहा है तीन जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है ना। और सेम बात यहां पर भी होगी है ना, सेम बात यहां पर भी होगी। अब इस पूरी कहानी को मैं आपको लिखवा देता हूं, देखो ये आपके पास था कि फोर आ फोर आ पॉजिटिव नंबर एन है ना, लिख लेना इस बात को, एक मिनट रुको, हाँ जी लिखेंगे, फोर आ पॉजिटिव नंबर, फोर आ पॉजिटिव नंबर एन, स्टैंडर्ड फॉर्म इज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, किसी भी पॉजिटिव नंबर एन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें जिसमें ए जो होगा वो एक से लेके 10 तक होगा और बी जो होगा इंटीजर होगा, ठीक है, बी जो होगा इंटीजर होगा। इसी के नीचे पॉइंट जो आगे इंपॉर्टेंट नोट वाले पॉइंट है ना, इसी के नीचे लिख लेते हैं क्या, कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन वन, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन वन है बेटा, ध्यान से सुनना, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन वन है, देन देन वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, देन नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज क्या होती थी बेटा, अभी आपने पीछे देखा था, लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज बी प्लस वन है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज बी प्लस वन, कितना आ जाएगा बेटा, इज बी प्लस वन, समझ रहे हैं, इज बी प्लस वन, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज बी प्लस वन, ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स आप सबको क्लियर हो गया होगा है ना। और इसी तरीके से इफ नंबर इज क्या बेटा, नंबर इज बिटवीन जीरो टू वन, अगर नंबर जीरो से वन के बीच का, पहली पिछली बार तो क्या था ग्रेटर देन वन था, अब की बार क्या है जीरो टू वन, देन नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इज, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितनी आती है बेटा, माइनस बी माइनस वन, अभी हमने किया है माइनस बी माइनस वन, दोनों पॉइंट एक बार जल्दी से मुझे बता दो किस किस को क्लियर हो गए हैं, फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि क्या पूरा खेल चल रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो है ना, इसको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा आज जाके, पहले बता रहा हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर थ्री का क्यूब, थ्री का क्यूब बेटा 27 होता है, ये क्या बात हुई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से, ये क्या पूछना चाह रहा है? डिजिट टू है मतलब, अरे बेटा थ्री का क्यूब आप कर रहे हो, आप कह रहे हो 27 है ना, ये रहा 27, तो इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो कैसे लिखोगे,
2.7 इंटू 10 की पावर 1, समझ रहे हो? और अब यही तो बोला मैंने, b प्लस 1 करेंगे, b प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, कितनी डिजिट आई? 2 ही तो आई, सही तो है। b प्लस 1 जब करेगा, समझ रहे है? ये पावर होनी चाहिए 10 की पावर, इसकी पावर में एक जोड़ना है, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस पूरी कहानी का प्रयोग लॉग में कैसे किया जा रहा है सर। मैंने कहा जब नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, अभी आपने पीछे देखा, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया, नंबर मैंने क्या दिखाया, 6 की पावर 50, 6 की पावर 50। अब कुछ बच्चे क्या कह रहे थे कि सर आंसर 51, पावर में एक जोड़ दो, आपने तो बोला बी प्लस 1। अबे गधो, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि बी जो होता है वो 10 की पावर होता है, समझ रहे हो? और वो 10 कब आता है, जब आप आगे के नंबर में क्या करते थे, एक पॉइंट छोड़कर लेफ्ट में एक ही डिजिट छोड़ते थे, समझ रहे हो? जब आप, अरे बी, ये तो सोचो ना कि पावर में किसकी पावर में जोड़ना है, वो भी तो देखो, पावर में किसकी पावर में जोड़ते हो? पहले तो ये जो नंबर है वो ऐसी फॉर्म का हो और फिर आप उसकी 10 की पावर में 1 जोड़ दो, पहले तो इस फॉर्म का नंबर हो, समझ रहे हो पहली बात को, पहले इस फॉर्म का नंबर हो। अब मेरी बात को सुनना, कैसे मैं उस फॉर्म में ला सकता हूँ और कैसे मैं काम कर सकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास नंबर था एन, जो था ए गुना 10 की पावर बी की फॉर्म में, एन को मैं ऐसा लिख रहा था, है ना? अच्छा, अब मेरी बात को जरा सुनना ध्यान से, मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, नंबर का लॉग ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, लॉग। तो इधर भी बेटा लॉग ले लिया और इधर भी क्या किया, इधर भी मैंने लॉग कर लिया। बेस तो मेरे को अपनी मर्जी से कुछ भी यूज कर सकता हूँ, तो मैंने 10 यूज कर लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, मैंने नंबर का लॉग लिया, क्या किया, नंबर का लॉग लिया, याद रखना क्या किया, नंबर का लॉग लिया। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही मैं लॉग लूंगा, आप प्रॉपर्टी जानते हो, लॉग में अगर दो चीजें अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको आप अलग अलग करके ऐड कर सकते हो। तो इस चीज को आप लिख सकते हो यहाँ पे, लॉग 10 ए प्लस लॉग 10 10 की पावर बी। उम्मीद करता हूँ सब भाई मेरे साथ में होंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी के पेट में दर्द तो नहीं है, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, पाप वाला काम, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये था उस नंबर का जब लॉग दिया है ना, उसकी वैल्यू देख रहे हैं क्या आ रही है। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट को तो आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, ये पावर बी आगे आएगा, ये वाला जो बी है वो आगे आ जाएगा, और लॉग 10 बेस 10 तो 1 ही होता, तो यहाँ बी ही रह जाएगा। बोलो बोलो, ये तो सिर्फ बी आ जाएगा, क्योंकि लॉग 10 बेस 10 तो सेम 1 ही आएगा, लॉग 10 बेस 10 तो 1 ही आएगा। सबको यहां तक क्लियर, सबको यहां तक क्लियर, बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको भी देखते हैं, इसका भी ऑपरेशन करते हैं। इस ए को देखो बेटा, ए को आप पहले से जानते हो कि ये कहां से कहां होता है, बताओ कहां से कहां होता है। मैंने बताया था ए की वैल्यू कहां से कहां आती है पॉजिटिव जब फॉर्म में हम बदलते हैं, अभी मैंने बताया था, पीछे लिखवाया है ए की वैल्यू कहां से कहां आती है, सबके रिप्लाई आनी चाहिए, 1 से 10 आती है। बोलो आती है कि नहीं, 1 से 10 आती है। तो आप लोग जानते हो कि यहां पर लॉग बेस 10, ये जो ए होगा ये 1 से कहां तक हो सकता है बेटा, 10, लेकिन 10 के बराबर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना, 10 के बराबर नहीं, क्योंकि फिर तो 2 डिजिट हो जाएंगी डेसिमल से पहले, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखनी है, तो 9.9999 तक तो हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता, तो 1 से लेके 10 तक। अब इस बात को जरा प्यार से समझना, आप लोग बड़े आसानी से बताओगे, आप देखना है ना, आपने इतना अच्छा लॉग कर ही लिया है तो बड़े आराम से आप बताएंगे। लॉग 10 बेस n इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से बताना मुझे, 1 का लॉग कितना होगा, 1 का अगर यहां 1 ले लूं तो लॉग कितना आएगा, 0, 1 का लॉग तो 0 ही होता है, तो 1 का लॉग तो आएगा 0, क्योंकि 1 पे क्लोज है तो 0 पे भी क्लोज आ जाएगा। अच्छा, लॉग 10 बेस 10 कितना आएगा बेटा, 10 बेस 10 कितना आएगा, क्या वो 1 आ जाएगा, क्या वो 1 आ जाएगा, बोलो। और क्योंकि इस पे ओपन है तो इस पे भी ओपन आना चाहिए, और प्लस में आ गया बी, बस हो गया हमारा काम। क्या किया मैंने पूरे क्वेश्चन में, क्या किया मैंने पूरे क्वेश्चन में, ये किया कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो नंबर मुझे दे रखा है मैं उसका लॉग ले लूं, लॉग लेना तो अपन को आता ही है, लॉग लेना तो हम लोग कर ही ले, पूरा चैप्टर ही हमने फेल दिया है ना, पूरा चैप्टर हमने इस चीज पे कुर्बान कर दिया लॉग लेने पे। तो लॉग अगर मैं उस नंबर का ले लूं, तो नंबर का लॉग लेने पे 2 चीजें मेरे पास आती हैं, एक तो मेरे पास ये चीज आएगी बी। आप लोगों ने पढ़ा था बी क्या आ रहा था, बी एक्चुअल में क्या था, बोलो बी की वैल्यू कैसी आ रही थी, बी की वैल्यू कैसी आ रही थी, सबने पढ़ा था, जल्दी से बोलो बी की वैल्यू कैसी आ रही थी, बी को हमने क्या बोला था, बी की वैल्यू इंटीजर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, जल्दी से रिप्लाई दो, क्या बी की वैल्यू इंटीजर आ रही थी कि नहीं आ रही थी। यार सारे बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वही फिर पूरी क्लास का भार 5-10 बच्चों ने उठा रखा है, बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, सबका रिप्लाई आना चाहिए। बी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इंटीजर, बी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इंटीजर। तो जब नंबर का लॉग लिया, ये नंबर था बेटा, ये नंबर था, उसका लॉग लिया, लॉग लेने के बाद कुछ तो आया इंटीजर, कुछ पार्ट तो आया क्या बेटा, इंटीजर, और कुछ पार्ट आया फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, 0 से 1 के बीच में वैल्यू कैसी होती है, 0.1, 0.2, 0.33, 0.44, डेसिमल वैल्यूज बोलते हो जिनको आप। तो ये पार्ट कैसा आया, ये आया फ्रैक्शन वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये पार्ट कैसा है, फ्रैक्शन वाला पार्ट।
जो डेसिमल वाला पार्ट बोलते हो, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हो। समझ गए बात ये कि जब आप किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो कुछ इंटीजर पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। बोलो, कुछ इंटीजर पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। बेटा ये जो इंटीजर पार्ट आता है नंबर का, ये वाला जो इंटीजर पार्ट आता है नंबर का, इसको ही बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है बेटा, इसी को बोला जाता है मेंटीसा। क्या बोला जाता है बेटा? मेंटीसा। समझ रहे कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा कहते किसे हैं? जब भी किसी नंबर का लॉग लिया जाता है, तो लॉग लेने के बाद कुछ इंटीग्रल पार्ट आता है, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आता है। इंटीग्रल पार्ट को अपन कैरेक्टरिस्टिक बुलाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को अपन मेंटीसा बुलाते हैं। कितने बच्चों को क्लियर हो गया मामला? जल्दी से बोलो, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है ना? अब मैं करूंगा क्या? ये तो सर समझ में आ गया कि लॉग लेंगे तो ऐसा ऐसा। मैंने कहा ध्यान से सुनना, नंबर तेरे पास है उसका लॉग ले ले। लॉग लेने के बाद तेरे पास कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, कुछ इंटीजर पार्ट आएगा। और जैसे ही तुझे इंटीजर पार्ट मिल गया बी, तो तू ये चीज लगा सकता है कि नहीं जो पीछे है लगाई थी, ये वाली चीज लगा सकता है कि नहीं? बी प्लस वन। अरे बी तो निकालना है, बी निकलते बी प्लस वन तो बता ही देंगे वन जोड़ के। बोलो बी तो निकालना है, माइनस बी माइनस वन तो अपन कर ही देंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ, तो ये पूरी कहानी यहाँ आके टिकती है कि मुझे सिंपली करना क्या होता है जब भी वो, और क्वेश्चन आपके पास इसी फॉर्म का आएगा बेटा। एनडीए में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले बता रहा हूँ। पाथ फाइंडर में भी ये क्वेश्चन है, है ना? नंबर ऑफ डिजिट्स पूछने पे, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसपे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, इसपे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? हमेशा नंबर का लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद उस नंबर का कुछ फ्रैक्शनल, कुछ इंटीजर। इंटीजर वाला पार्ट मेरा बी होगा, कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। और बी में वन जोड़ते ही, बी प्लस वन करते ही नंबर ऑफ डिजिट्स आती है, क्योंकि नंबर वन से बड़ा है, बी प्लस वन करते ही आ जाएगा। बोलो सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो, क्या सबको क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। चलो मैं लास्ट में स्लाइड आपको दिखा दूंगा बेटा, है ना? लास्ट में दिखा दूंगा, चिंता ना करो। क्लियर है सबको? चलो, है ना? कुछ लॉग्स की वैल्यू आप लिख लीजिए जो आपको याद भी रहनी है ना, याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? लॉग 10 बेस यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू लिखिए बेटा 0.3010, है ना? लॉग 10 बेस 3 वैल्यू लिखिए 0.4771, ठीक है? 0.4771, है ना? 0.4771 लॉग 10 बेस 5 0.699, है ना? 0.699, ठीक है? 0.699। और एक वैल्यू और लिख लीजिए लॉग 7 की, लॉग 10 बेस 7 इज इक्वल टू 0.845, ठीक है बेटा? ये चारों वैल्यूज याद रख लेना, है ना? और ये तीन तो बिल्कुल होनी चाहिए रटी हुई एकदम, 2, 3 और 5 पे, है ना? ये तो पता ही एकदम आपको पूरा एकदम सुर में याद हो, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख ली होंगी, ठीक है? अब मैं मिटा रहा हूँ इसको यहाँ से। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, जल्दी देखिएगा। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स लेने के लिए इस नंबर का क्या करेंगे बेटा? लॉग ले लेंगे। इस नंबर का क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे, ठीक है जी? लॉग लेते हैं। तो नंबर हमारे पास क्या है? नंबर है 6 की पावर 50। इसका क्या किया? लॉग ले लिया। तो लॉग, यहाँ पर भी लॉग आ गया एन, और यहाँ पर लॉग आ गया, क्या आ गया बेटा? 6 की पावर 50, ठीक है? बेस क्या चल रहा है? 10 ही लेके चल रहा है ना, अंडरस्टूड है, बेस 10 ही लेके चल रहा है। चलो लॉग लेते हैं इसका बेटा। तो आप जानते हैं लॉग में ये वाली जो पावर होगी ये तो आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 6। अब आप कहोगे सर लॉग 6 की वैल्यू तो आपने बताई नहीं, मैंने कहा 2 और 3 की तो बता रखी है, 2 और 3 से निकाल लो, है ना? अगर आपको ये पता तो आप 2 और 3 से भी निकाल सकते हो। 50 into log 6 को बहुत अच्छे से आप जानते हो, 6 को लिखा जा सकता है 2 multiply 3। और लॉग में अगर चीज मल्टीप्लाई होती है, तो आप उसको दो बार अलग अलग करके लिख सकते हो। दैट इज कितना बेटा? 50 into में कितना आ जाएगा बोलो? log 2 और log 3, ऐसे करके लिख सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को लिखने में किसी को? बिल्कुल आसान सा काम है। तो 50 multiplied by log 2 की वैल्यू बेटा बोला था अभी, याद करो क्या? 0.3010। और log 3 की वैल्यू कितनी बोलती? 0.4771। ये याद रखनी है बेटा, है ना? याद रखनी है सबने, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब पहुँच गए होंगे।
यहाँ तक सब पहुंच गए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो तो कितना आएगा बेटा, 50 गुना में, ये लोग आप बताना जरा कितना आ रहा है, करना जरा इसको कितना आ रहा है ये। क्या ये 1 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, 7 और 0 7.33 ये आ गया क्या, है ना? ये मल्टीप्लाई करके आप लोग बताओ मुझे, है ना? इतनी कैलकुलेशन मेरे से तो नहीं होगी, आप लोग ही बताओ आगे मल्टीप्लाई करके कि क्या आएगा। हाँ जी, आगे मल्टीप्लाई करके आ गया गोल्डी का 38.955। सारे बच्चे चेक करो, 38.955, क्या यही आ रहा है? जल्दी से बताओ, बाकी सारे भाई चेक करके बताओ, जल्दी से करना पड़ेगा। सभी चेक करो, 905 आ रहा है, 905। हाँ भाई सही कह रहा है, 905 आ रहा है, इस करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 905 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 905 आ रहा है। चलो बहुत सही, काफी बच्चों ने चेक करके बता दिया। तो बेटा अब ध्यान से देखो, ये लॉग आ गया, नंबर का लॉग आ गया, इसके अंदर कुछ इंटीग्रल पार्ट है और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीजर पार्ट तो साफ साफ दिख रहा है, क्या है, 38, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.905। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ये, और मेंटिसा क्या होगा ये, समझ रहे हैं? ये चीज क्या होगी बेटा इसकी, मेंटिसा, और ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक ही आप जानते थे क्या होता था बेटा, बी, और आपका आंसर क्या होता है, बी प्लस वन। तो आपका आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 39। तो यानी कि इस नंबर में कुल कितने डिजिट्स होंगी, 39 डिजिट्स होंगी, समझ रहे हैं? और आप लोग 51 बता रहे थे कुछ बच्चे स्टार्टिंग में, देखो क्लियर है क्या क्वेश्चन? हमेशा नंबर का लॉग लेंगे और वहां से काम खत्म, लॉग लेना आपको आना चाहिए। जल्दी से बेटा नोट करो, जल्दी से फास्ट। जल्दी से नोट कर लो भाई, जल्दी से फास्ट। चलिए भाई, चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, एक और क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 रेज टू पावर। मान लो 5 रेज टू पावर कितना दे रखा है बेटा, 25, है ना, 5 रेज टू पावर 25 नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, ठीक है। log 10 की पावर 7 की क्या वैल्यू है सर? बेटा 7 होगी, अगर बेस बेस टू 10 लेके चल रहा है तो 10 बेस 10 1 7 आगे आ जाएगा। चलो, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 रेज टू पावर 25। तो बेटा क्या किया, नंबर क्या है हमारा, 5 की पावर 25, तो दोनों साइड लॉग ले लिया, इधर भी और इधर भी, तो लॉग से होगा क्या, पावर आगे आ जाएगी, 25 तो आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log 5। और log 5 की वैल्यू तो आप सब जानते ही हैं, अभी लिखवाई थी आपको थोड़ी देर पहले, क्या थी बेटा, 0.699। जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, आप लोग बताओ, सॉल्व करके आप लोग बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई में भेजो, लिख के भेजो जल्दी से रिप्लाई में। 17.475 हिमांशु कह रहा है, ठीक है, लिखते हैं 17.475, यही आ रहा है क्या भाई सभी का? हाँ यही आ रहा है, लगभग आ ही गया सबका। तो इसके अंदर बेटा, इसके अंदर बेटा फ्रैक्शनल पार्ट दिख गया आपको, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है इसके अंदर, 17, और मेंटिसा, मेंटिसा क्या आ रहा है इसके अंदर, मेंटिसा इज कमिंग आउट टू बी कितना बेटा, कितना, 0.475। तो आपका आंसर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक यानी बी में एक जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 प्लस 1, दैट इज 18। क्या आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलिए, क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे, बोलो। चलो, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम खुद कर लेंगे, सही है बेटा, चलो अच्छा है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, आप लोग इसको फिर बाद में घर से खुद ट्राई करना। क्वेश्चन है कि नंबर आपको दे रखा है, वही नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है ना, 8 की पावर 200 नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है आपको, नंबर है 8 की पावर 200, और आंसर है, आंसर भी लिख लेना, नंबर ऑफ डिजिट्स आती है 181। चेक करके आप लोग देखना, है ना, कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है बेटा, है ना, ये आपको चेक करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए जो क्वेश्चन में नंबर है आपको, क्या गिवन है, 3 की पावर 12 गुना
दो की पावर आठ करना वही है, लॉग लेके है ना, सारा काम वही है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट चेक करनी है, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए नंबर ऑफ डिजिट चेक करनी है और आंसर आना चाहिए 9, देख लेना बेटा है ना क्या सही आ रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ डिजिट आएंगी 9, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क मैंने दिए हैं, तो इसको दोनों क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर, क्लियर, नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये तो था बेटा जब नंबर वन से बड़ा है, जब नंबर वन से बड़ा है तब ऐसी कहानी सारी चलती है, लेकिन अगर नंबर वन से छोटा हो जाए तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था, अगर नंबर क्या हो जाए बेटा वन से छोटा हो जाए, अगर आपको याद हो जाए कि नंबर ये देखो ये था देखो क्या था, वेन नंबर इज बिटवीन जीरो एंड वन, है ना सर, नीचे वाले में अलग अलग सॉल्व निकालना है, नहीं बेटा एक ही नंबर है वो मल्टीप्लाई में है, दोनों साइड लॉग लेना और सॉल्व कर लेना लॉग लेके, है ना। वेन नंबर इज बिटवीन जीरो टू वन, जब नंबर जीरो से वन के बीच में, तो मैंने क्या कहा था वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि डेसिमल के बाद कितनी जीरो आती है, वो ये पूछेगा, यहाँ वो नंबर ऑफ डिजिट नहीं पूछेगा बेटा ध्यान रखना, यहाँ वो पूछेगा कि डेसिमल के बाद कितनी जीरोस आती है, डेसिमल के बाद कितनी जीरोस आती है, और आंसर इसका आपको पता है क्या होता था, माइनस बी माइनस वन, ये इसका आंसर होता था, ठीक है। चलो अब करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा, जब नंबर क्या होना चाहिए जीरो से वन के बीच का, एक नंबर लेते हैं है ना, फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, बेटा लॉग एट, विकास आप पूछ रहे हो कि लॉग एट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो इसको आप निकाल सकते हो, देखो लॉग एट को लिख लेना लॉग टू का क्यूब और ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई लॉग टू, और लॉग टू की वैल्यू आपको बताई है 0.3010 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है क्लियर, इस तरीके से आपको निकालनी है ना। चलो हाँ बेटा, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इन 3 की पावर -50, तो 3 की पावर -50, पहले तो मैं ये उम्मीद करूंगा आप सब इस बात के लिए सहमत होंगे कि ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है, 3 की पावर -50 1 से छोटा नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में लॉग की वैल्यू गिवन होगी ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, होता भी है कई बार और नहीं भी होता है, तो आप लोग ये 2-3 वैल्यू तो याद ही रखते। चलो अब नंबर 1 से छोटा है, करना वही है लॉग ही लेना है ना, हमें तो लॉग ही लेना है ताकि बी की वैल्यू पता चले, 3 की पावर -50 ये नंबर है, दोनों साइड क्या किया बेटा लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, ठीक है, इधर भी लॉग, दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब इस लॉग को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं माइनस पचास आगे आएगा बेटा और यहाँ आ जाएगा लॉग 3, उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस पचास तो आगे आएगा और लॉग 3 आ जाएगा, यहाँ से बेटा माइनस पचास और लॉग 3 की वैल्यू तो आप सब जानती हैं क्या होती है बेटा, 0.4771, जरा सॉल्व करके आप लोग भेजना तब तक मैं लाइट ऑफ करूँ। चलो भाइयों हो गया क्या सॉल्व, काफी बच्चों ने भेज भी दिया, माइनस का आ रहा होगा ना, बाकी ने भेज दिया माइनस का 23.855, ठीक है बेटा काफी बच्चों ने भेज दिया है, आंसर आ रहा है माइनस का 23.855, ठीक है बेटा माइनस का 23.855, क्या यही आपका आंसर आ रहा है सभी भाइयों का, एवरीबॉडी ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा, ध्यान से सुनना बेटा, कोई मुझे बताएगा इसमें मेंटीसा कितना आ रहा है, मेंटीसा कितना आ रहा है, क्या आप में से कोई बताएगा, बताने की कोशिश करेगा कि मेंटीसा कितना आ रहा है, चलो लगभग सबने आंसर भेजा और सबका गलत है, ठीक है, जिसने भी जो भी भेजा सब गलत है भाई, है ना, देखो कैसे होगा ध्यान से देखना, मेंटीसा को देखना, आप कहोगे सर मेंटीसा तो यही होता है, मैंने कहा बेटा ध्यान से देख इसको तोड़ के लिख, अब की बार जब तोड़ेगा तो ये होगा माइनस का 23 और माइनस का 0.85, ऐसी तो होगा, यहाँ प्लस थोड़ी आएगा बीच में, माइनस 23 और माइनस ये, तभी तो माइनस का 23.855 आएगा, पहले ये बताओ इस पे आप सब सहमत हो कि जब यहाँ माइनस 23 है और यहाँ भी तो माइनस ही होगा ना,
तभी तो ये नंबर आएगा, जब तोड़ के लिखूंगा इसको ऐसे तो लिखूंगा। इस बात में सारे सहमत है क्या, पहले ये बताओ कि इस नंबर को ऐसा तोड़ के लिखेंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो आप कहोगे सर ये तो इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि बी तो इंटीजर होता था, नेगेटिव आ ही सकता है। आप कहोगे ये तो बी हो गया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, चल इसको बी मान लेता हूं। लेकिन ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ये पार्ट नेगेटिव में आ रहा है, जबकि मेंटिशा की वैल्यू जीरो से वन आती थी, वो पॉजिटिव वाले फ्रैक्शन की होती थी, समझ रहे हो। मेंटिशा हमेशा पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना कि उसको नेगेटिव में आप आंसर दे दो। मेंटिशा हमेशा कैसा आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें सर, है ना, अगर मेंटिशा पॉजिटिव आता है तो कैसे इस चीज को अपन लोग सॉल्व करें, ये बताओ आप तो, है ना। मैंने कहा चलो ध्यान से देखना, चलो ध्यान से देखना, है ना। ये हमारा नंबर था, देखना बेटा ये हमारा नंबर था। अभी मैं कर क्या रहा हूँ, इस नंबर में अपनी ओर से, ध्यान से देखना, इस नंबर में अपनी ओर से क्या कर रहा हूँ, 24 को जोड़ भी रहा हूँ, 24 को जोड़ भी रहा हूँ और 24 को घटा भी रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता नंबर पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, अगर मैं 24 जोड़ भी दूँ और 24 को घटा भी दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता नंबर पे। अगर नंबर में 24 जोड़ भी दूँ और 24 घटा भी दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे, पहली बात तो ये, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला -24 तो एज इट इज लिखा हुआ है, ये वाला -24 तो एज इट इज, आप लोग इसकी वैल्यू बताओ बस मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 24 में से ये नंबर हटा दो, ये वाला नंबर 24 में से इस नंबर को हटाओ, बोलो क्या आएगा, 24 में से आप इस नंबर को हटाओ, बोलो क्या आएगा, क्या 0.145 आ रहा है, जल्दी से बोलो, क्या 0.145 आपका आ रहा है, एवरीबडी जल्दी से बता दो, क्या 0.145 आ रहा है सबका, आ रहा है। अब ध्यान से देखना, अब देखना, ये तो इंटीग्रल पार्ट है, नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये मेंटिशा आपकी बार 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्या 0 से, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है सर, अब आ रहा है, आपकी बार तो आ रहा है। तो मैंने कहा ये अब तुम्हारा मेंटिशा है, समझ रहे हो, ये मेंटिशा है, ना कि 0.855 जो आप कह रहे थे, ये मेंटिशा है 0.145 जो पॉजिटिव में आएगा। और बी की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जल्दी से बोलो, -24, कैरेक्टरिस्टिक इज -24, समझ के बात। और आपका आंसर क्या होता था, क्या आपको याद है, जब नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल क्या होती थी, याद है क्या, -b -1, है ना। तो b का नेगेटिव करना होता था, -24 का नेगेटिव करोगे तो कितना आएगा, -24 का नेगेटिव 24, और 24 में से एक गया, आंसर इज 23। तो कितनी जीरोस आएंगी आफ्टर डेसिमल, कितनी जीरोस आएंगी आफ्टर डेसिमल, 23 जीरोस आएंगी। नमन आप पूछ रहे हो कि क्या सर हर बार 24 ही करना, नहीं बेटा 24 क्यों करेगा, जो भी नंबर यहाँ पर होगा, जैसे 23 था इसलिए 24 किया, मान ले कुछ और होता 17 होता तो मैं 18 से कर देता, है ना, उस नंबर के हिसाब से। किस किस को क्लियर है बेटा, क्या आपको क्लियर है क्वेश्चन, एक बार जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेसिस पे। चौबीस बेटा हिमांशु मैंने इसलिए लिया, ध्यान से देखियो, था क्या कि जब ये चीज आई थी ना, नेगेटिव में मेंटिशा आ रहा था, तो नेगेटिव में हमें लेना नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में हमें नंबर लेना नहीं है, जीरो से पहले वाला बी के इक्वल होगा, पता नहीं भाई क्या कह रहा था, हाँ मैंने क्या कहा कि नेगेटिव में नहीं ले सकते, इसलिए अगर यहाँ 23 आया था, माइनस का 23 था ना, 24 को दोनों साइड जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे ये वाला -24 तो एज इट इज ले आए, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 0.145, अब ये पॉजिटिव में आ गया डेसिमल वाला पार्ट, ये आपका मेंटिशा हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन है वही, सेम क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इन द नंबर, नंबर आपको दे रखे आपकी बार 6 की पावर -25, 6 की पावर -25 ये नंबर है, ठीक है, 6 की पावर -25 क्या करेंगे, वापस से लॉग लेंगे, या चलो पहले आपको देता हूँ मैं, 2 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूँ, जल्दी से करके, चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। तो जो नंबर आपको दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं, वही क्या क्या किया, लॉग ले लिया दोनों साइड, इधर भी लॉग -25 आप जानते हैं आगे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा log 6 को आप लिखेंगे 2 × 3, ये हो गया -25, log 6 को आप क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, log 2 + log 3, और इसकी वैल्यू तो अपन ने निकाली थी log 2 + log 3, अगर आपको याद हो, है ना, पीछे एक क्वेश्चन में किया था जहाँ पे 6 की पावर वो लिया था, देखें एक बार हाँ किया था, यहाँ किया था ना, लॉग 6 0.7781, है ना, तो कितना आ रहा है
0.7781। कोई बताएगा इसको सॉल्व करके पूरा कितना आ रहा है बेटा, पूरे को सॉल्व करके बताना। माइनस से जब मल्टीप्लाई किया, माइनस का 19.4525, चलो माइनस का 19.4525, ठीक है बेटा। लेकिन वही बात है, ये आपका करेक्टरिस्टिक या मेंटिसा नहीं है। देखो भाई क्या करना है, जो बच्चों को दिक्कत हो रही थी क्या ऐड करना है, 19 दे रखा है तो 20 ऐड कर दो दोनों साइड, ठीक है जी। 19 दे रखा है तो 20 ऐड कर दो, जैसे आप 20 ऐड करोगे तो 20 माइनस 19.4525 है ना, एंड प्लस माइनस 20 ऐसे आ जाएगा। 20 जोड़ दिया आगे, 20 पीछे माइनस, पीछे वाले को तो एज इट इज उतारते थे, आपको याद होगा माइनस 20 को तो एज इट इज उतारते थे। और इसको माइनस करने में बताना कितना आ रहा है, इसको माइनस करने पे 20 में से जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, जल्दी से रिप्लाई भेजो। तो 20 में से, अरे 20 में से 1 थोड़ी आ जाएगा, 0.5475। अब ये वाली जो चीज है ये मेंटिसा है, दिस इज मेंटिसा, ठीक है, ये आपका मेंटिसा है। और ये वाला पार्ट जो है ये आपका बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है, माइनस बी माइनस वन आपका आंसर होता है, बी आपका माइनस 20 है तो माइनस 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का आंसर 19 आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। इस बात को ऐसे भी देख लेना बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, सभी बच्चे सामने देखो यहाँ पे, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज है ना ध्यान देना, इस चीज को वो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 20.5475 और ऊपर यहाँ ऐसे बार लगा, समझ रहे हैं, ऊपर बार लगा देगा, क्लियर है। ये चीज और ये चीज सेम ही है, देखो बार जो होता है वो हमेशा लास्ट की डिजिट पे लगता है, ये बात ध्यान रखना, बार जब भी लगता है ना वो हमेशा लास्ट की डिजिट पे लगता है। बार का मतलब आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि चीजें बार बार रिपीट होती रहती है, वो नंबर बार बार रिपीट होता है, तो बार हमेशा आखिरी की डिजिट पे लगता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग पे बार लग जाए और पीछे नंबर खाली आ जाए, जैसे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि 0.367 और यहाँ बार हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब 333 चलता रहेगा तो 7 आएगा कब, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है, जैसे यहाँ पर बार पहले लग रहा है, इसका मतलब ये जो 20 है ये वाला पार्ट नेगेटिव है, समझ रहे हैं, जितने पार्ट के ऊपर बार लगा हुआ वो नेगेटिव है, यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं। तो ये बात और ये बात बिल्कुल सेम है बेटा, इस पॉइंट को लिख लेना आप अपने पास, क्लियर है क्या सबको ये। बोलो बेटा क्या आप सबको क्लियर है वाली बात, कि वो इस चीज को ऐसा भी करके आपसे ऑप्शन में दे सकता है। आप लोग समझ जाना कि जितने अगर स्टार्टिंग में बार लगा मतलब वो नेगेटिव की बात कर रहा है, वो इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव करके क्या, क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, पक्का मामला क्लियर सबको। चलो मैं एक क्वेश्चन इसका भी आपको देता हूं जो आपको घर से करना है, ठीक है, पीछे ही दे देते हैं जहाँ पे होमवर्क दे रहा था मैं, यहीं पे एक क्वेश्चन इसका भी लिखिए, है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल जीरोस आफ्टर डेसिमल, नंबर है 9/8 की पावर -1, ठीक है बेटा, 9/8 की पावर -100 और इसका जो आंसर है वो है 5, इसका आंसर है 5, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब बच्चे ये तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे, क्लियर, और इसको सॉल्व भी जरूर कर लेंगे, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर सब।